हाय फ्रेंड्स फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मेरा चैनल एक हाल ही में मोनेटाइज हुआ है, और मोनेटाइज होने के 5 दिन के अंदर मेरे वीडियो मेरे चैनल पे ज्वाइन बटन इनेबल हो गया है, मतलब एक मेल आ गई यूट्यूब की तरफ से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप ज़रूर जाकर देखिएगा, मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया था। लेकिन आज इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आपका चैनल अगर मोनेटाइज होता है आपको क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती है यूट्यूब पे या फिर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। तो इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा, टोटल चीज़ अपने स्क्रीन पे जाकर लाइव दिखाऊंगा। तो चलिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल पे नए हैं तो, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और हाँ, कोई डाउट हो ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन पर चल गए पे आ गए हैं। जो चैनल मेरा मोनेटाइज हुआ था अभी हाल ही में हुआ है उसके YT स्टूडियो के होम पेज पे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आपका अगर चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो सारी जो प्रक्रिया होती है मोनेटाइजेशन की, जो 3 स्टेप होते हैं मोनेटाइजेशन के, वो सब अप्रूव हो जाता है। तो आपको क्या क्या मिलता है वो देखिए। सबसे पहले कि ये देखिए, आपका जो मोनेटाइज नहीं हुआ रहता है ना, तो आपका वॉच टाइम मिनट दिखाता है, व्यूज़ दिखाता है, सब्सक्राइबर चेंज दिखाता है। लेकिन जब मोनेटाइज हो जाता है तो आपके चैनल पे एक और यहाँ पे लाइन बढ़ जाती है, योर एस्टिमेटेड रेवेन्यू यहाँ पे आपका दिखा रहा है। देखिए जैसे अभी मेरा $2.75 दिखा रहा है, तो ये आपका एक नया बढ़ जाता है। और यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि एस्टिमेटेड रेवेन्यू डिलेड 1 डे, यानी कि ये जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू होता है ना, ये आपका एक दिन लेट आता है। मतलब कि जैसे आज जितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो रेवेन्यू आपका कल दिखाएगा, मतलब एक दिन डिले करके दिखाता है। और आपको क्या क्या मिलता है आपको और बताने के लिए मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। आप यहाँ पे व्यू मोर पे आप क्लिक करेंगे, तो व्यू मोर पे क्लिक करने के बाद आपको जैसे नॉर्मली दिखाता है ओवरव्यू, डिस्कवरी, ऑडियंस, और यहाँ पे इंटरेक्टिव कनेक्ट, प्लेलिस्ट। यहाँ इसी टैब में एक सेकेंड नंबर पे ऑप्शन नया आ जाता है, वो है रिवेन्यू का ऑप्शन। ये नया रेवेन्यू का ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है तो ये रेवेन्यू का ऑप्शन नहीं आता है। और यहाँ पे आपका दिखाता है एस्टिमेटेड रेवेन्यू, आपका एस्टिमेटेड मोनेटाइजेशन प्लेबैक, मतलब कितने एड्स चलाए गए हैं अभी तक, ट्रांजेक्शन अभी आपने कितना किया है, एड्स टाइप यानी कि किस किस टाइप के एड्स यहाँ पे आपको दिखाए जा रहे हैं आपके चैनल पे, और टॉप अर्निंग वीडियोज़ यानी कि कौन सी वीडियोज़ पे सबसे ज़्यादा अर्निंग हुई, वो सब आपके यहाँ पे दिखा दे रहा है। और क्या क्या नया आता है वो मैं आपको बता दूँ। तो आप जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे अपने वीडियोस पे ना, तो देखिए जितने भी वीडियोस पे आपने मोनेटाइजेशन इनेबल कर रखा है ना, वो सारे वीडियोस पे यहाँ पे एक डॉलर का निशान, वो भी ग्रीन साइन में दिखा देता है। अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है तो सिर्फ आपका ये अर्थ का निशान दिखाता होगा, जो अगर वीडियो पब्लिक है तो, और अगर वीडियो अनलिस्टेड है तो आपका कुछ इस टाइप का निशान दिखाता होगा यानी कि। लेकिन अगर मोनेटाइज हो गया है, चैनल पे मोनेटाइजेशन ऑन कर दिए हैं, वीडियोस पे भी ऑन कर दिए हैं, तो ये एक डॉलर का निशान दिखाता है ग्रीन आपका कलर में। अगर ये मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किए हैं तो डॉलर का निशान तो दिखाएगा लेकिन वो ग्रे कलर में दिखाता है। और एक चीज़ और बता दो फ्रेंड्स कि अगर आपने मोनेटाइजेशन आपका इनेबल हो गया है, अगर आपने जेन्युइन वीडियो डाला हो, मतलब कि अच्छी वीडियो जिससे ऑडियंस ज़्यादा पसंद कर रही है, ज़्यादा व्यू जा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते के अंदर आपके पास ज्वाइन बटन का भी, मेंबरशिप का भी ऑप्शन इनेबल हो जाता है, यूट्यूब की तरफ से मेल आ जाती है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरा 5 दिन के अंदर ज्वाइन बटन के लिए मेल आ गया था यूट्यूब की तरफ से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, एक नए और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।